तेलंगाना टीआरएस पार्टी एमएलसी की हैसियत से मोहम्मद फरीदुद्दीन ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया और इन्होंने तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव और दिगर वजरा से इजहार तशक्कुर किया और तयकुन दिया कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। indtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मोहम्मद फरीदुद्दीन ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट indtoday.com। आज बहसियत एमएलसी हमारे आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब जो वादा किए थे उसके बिना पर आज नामिनेशन दाखिल किया हूं और इस नामिनेशन में मेरे साथ में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आली जनाब महमूद अली साहब और होम मिनिस्टर साहब नायन नरसिम्हा रेड्डी साहब हमारे आपपाशी भारी आपपाशी के वज़ीर जनाब हरीश राव साहब सब मिलकर ये नामिनेशन हम दाखिल किए हैं। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझ पर यह ज़िम्मेदारी आयद की है इंशाल्लाह ताला उस ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने की मैं कोशिश करूंगा और जो आज ये मौका मुझे फराहम किया गया है एमएलसी की हैसियत से इसमें मैं चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ ही साथ हमारे हरीश राव साहब का और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी जी का और ज़िले के रहने वाले रुकने असेंबली कहिए या रुकने काउंसिल कहिए इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जिस यकीन के साथ मुझे ये पोस्ट दिया गया है उसका मैं वादा करता हूं कि पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ।